दोस्तों, आज हम आपके लिए ये एक बहुत ही खूबसूरत, जैसा कि आपको दिख ही रहा है, मकान लेकर आए हैं। और इस मकान की लोकेशन भी बहुत ही खूबसूरत है, मेन रोड से लगी हुई लोकेशन है। और देख रहे हैं, अंदर से भी मकान बहुत खूबसूरत बना हुआ है, आप इसकी झलक देख लीजिए। बाकी अभी आगे आपको हम इसका विस्तृत वीडियो दिखाएंगे ही, और उसमें सारी जानकारी आपको दी जाएगी। यहाँ से मेट्रो स्टेशन मात्र 1.25 किलोमीटर की दूरी पर है, 1.25 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, और आलमबाग नहरिया चौराहा भी लगभग उतना ही है। और हाईवे का वॉकिंग डिस्टेंस है 24 घंटे, आपको यहाँ पर कन्वेंस की सुविधा मिल जाती है। और इस घर के बगल ही एक बहुत बड़ा नर्सिंग होम भी है। तो चलते हैं वीडियो में और आपको पूरी जानकारी देते हैं और इस पे कितना फाइनेंस हो जाएगा, कितना। फिर आ गए, जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। दोस्तों, ये है DRM पुलिया या इरिटिम ऑफिस रेलवे का, और ये हरदोई बाईपास है सामने। और इस रोड के दूसरी साइड में, रोड पार करने के बाद में, सामने अवध कॉलेजेट है, वो फ्लाईओवर दिख रहा है। फ्लाईओवर के सामने ये जो बोर्ड दिख रहा है, वही अवध कॉलेजेट के लिए है। और ये मुश्किल से यहाँ से 50 मीटर होगा। और इस तरफ फ्लाईओवर लगभग 100 मीटर की दूरी पर है, जो मानक नगर वाला है, उसके बाद अवध चौराहा है और सिंघा नगर मेट्रो स्टेशन है। और यहाँ से लगी हुई कॉलोनी खुशी विहार है, इसके बाद संगम विहार है। तो आज हम आपको खुशी विहार में मकान लेकर आए हैं और आपके लिए, और ये मकान चल रहे हैं दिखाने। और ये आपका मकान है जो आपने प्रीव्यू में देख लिया होगा। बहुत ही अच्छी लोकेशन है ये, आप देख रहे हैं सामने रोड बनी हुई है, यहाँ पर सीवर लाइन भी पड़ी हुई है। ये 20 फुट फ्रंट के साथ पश्चिम फेस का मकान है और 50 फुट इसका गहरान है। यहाँ पर एक मकान 700 स्क्वायर फीट का भी है, वो नॉर्थ फेसिंग है और वो भी 3 BHK बना हुआ है। और ये मकान भी 3 BHK बना हुआ है। उस मकान का वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, और या तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख सकते हैं। उसकी कीमत 45 लाख रुपए है। तो दोस्तों, ये है आपका मकान और ये आपकी पार्किंग। पार्किंग इसमें आपको इतनी बड़ी मिल रही है कि आराम से आपका, आपकी छोटी गाड़ी पार्क हो जाएगी। ये लॉन एरिया है, छोटी क्या, लगभग इसमें स्कॉर्पियो तक की गाड़ियां पार्क हो जाएंगी। और देखिए, बहुत ही खूबसूरत इसमें आपको बालकनी में वर्क मिल रहा है, और उतना ही सुंदर यहां पे कलर भी किया गया है। यहां पर आपको एक टैब मिल जाता है जो डेली यूज में आपके काम आएगा। लॉन एरिया में आपका ड्राइंग रूम की विंडो खुलती है, और यहाँ पे हमने मार्बल लगवा दिया है जिससे कि आपको आगे चल के गाड़ी वाड़ी खड़ी करने से असुविधा ना हो, टाइल्स टूटने का भय ना रहे, मार्बल इसलिए लगा दिया गया है। और ये सीढ़ियों के नीचे जो आपको दिख रहा है, वो इन्वर्टर स्पेस है जी। ये यहाँ पर इन्वर्टर स्पेस है, नीचे से सॉकेट दिए गए हैं, और दो एंट्री आपको मिल जाती है, एक सीधा डाइनिंग हॉल से और दूसरा गेस्ट रूम से।
आज हम आपको डाइनिंग हॉल से ही ले आए और आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत ये आपका ड्राइंग एरिया है और उतनी ही खूबसूरत यहाँ पे आपको लाइटिंग और फार सीलिंग भी मिल रही है। सीलिंग एक विंडो मिलती है जो आपका लॉन एरिया में खुलती है। बहुत ही अच्छी फिनिशिंग दी गई है और ये आपका जो ड्राइंग एरिया है ये लगभग 16x10 का है। अच्छा खासा स्पेस है जिसमें आपका पूरा सामान जो ड्राइंग एरिया में लगाया जाता है वो आराम से आ जाएगा। ये मॉडलर किचन का स्पेस है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ये कंप्लीट कर दिया जाएगा। नीचे कुछ रैक बन रही हैं, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है। एक विंडो मिलती है जो कि आपका सीधा पार्किंग एरिया में खुलती है। इसमें स्विच सॉकेट सारी एसेसरीज लगा दी गई हैं। ये चिमनी का जो पाइप है उसको निकालने के लिए स्थान है, या आप यहाँ पे एक झाश लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। ये आपका डाइनिंग हॉल है, आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत ये भी बनाया गया है और वैसा ही खूबसूरत यहाँ पे वॉलपेपर भी लगाया गया है। दोस्तों चारबाग रेलवे स्टेशन से इस मकान की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है और आलमबाग बस स्टैंड से 3 किलोमीटर की दूरी पर है ये। दोस्तों मेट्रो स्टेशन यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। सिंगारनगर मेट्रो स्टेशन यहाँ का सबसे नज़दीकी है और यहाँ से आलमबाग मेट्रो स्टेशन भी लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर है। आलमबाग मार्केट यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही आपको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। 1 किलोमीटर के अंदर अंदर ही स्कूल, कॉलेज, बैंक सब कुछ आपके अगल बगल ही है। ये आपका इंडियन स्टाइल में बना हुआ कॉमन वॉशरूम था। यहाँ पर आपको ODS मिल जाता है। ये आपका पहला बेडरूम है। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत फॉर सेलिंग दी गई है और वैसा ही खूबसूरत वॉलपेपर। और ये रूम 14 फीट लंबा है और 10 फीट चौड़ा है और यहाँ पर आपको एक ODS मिल जाता है और ये वॉश एरिया भी है आपके लिए, यहाँ पे आप अपनी वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं। उसी के हिसाब से यहाँ पे पॉइंट दे दिया गया, इसीलिए टाइल्स भी यहाँ बीच में लगा दी गई है। ये आपका दूसरा बेडरूम है। बहुत ही खूबसूरत ये भी है बनाया गया है, मतलब सुंदर। और इससे एक अटैच वॉशरूम आपको मिल जाता है। जो कि वेस्टर्न स्टाइल में बनेगा। दोस्तों इस मकान पर आपको 80% तक फाइनेंस अवेलेबल हो जाएगा। आइए अब आपको फिर से एक बार बीच से आपके मकान का व्यू दिखा देते हैं और चलते हैं अब ऊपर। ये आपकी पार्किंग, जब आप पीछे की तरफ से देखेंगे तो इस तरह दिखती है। यहाँ पर आपको मार्बल
स्टेयरकेस भी मिल जाता है और हैंड सपोर्ट के लिए स्टील की रेलिंग। ये आपके सामने की लोकेशन है। और ये आपका पीछे का हिस्सा है। दोस्तों ये सिंगल मकान बना हुआ है, इसमें छत नहीं जुड़ी हुई है। अगर आप भविष्य में कभी इसका एलिवेशन चेंज करना चाहें या नक्शा चेंज करना चाहें तो आप इजीली चेंज कर सकते हैं। आपको आपके बगल वाले से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर हम आपको टफन ग्लास लगा कर देंगे और स्टील सपोर्ट के साथ। स्टील सपोर्ट लग गया है, अभी ग्लास नहीं लगा है। ये आपका तीसरा बेडरूम है। यहाँ पे आप नज़दीक से आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा पेंट जॉब इसमें दिया गया है आपको। दोस्तों लास्ट रूम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर पेंट रखा हुआ है, इसी वजह से थोड़ी समस्या ज़रूर आएगी, लेकिन हम आपको एक व्यू दे देते हैं। बहुत ही खूबसूरत फॉर सेलिंग यहाँ पे भी की गई है और लाइट ग्रीन कलर का प्रयोग किया गया है दीवारों पर और फॉर सेलिंग में भी। और ये ट्रेंडिंग कलर है, वैसा ही यहाँ पर प्रयोग किया गया है। जो कुछ छूट जाता है उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या हमारे दिए हुए नंबर।